अंदर से लिट अप, जैसे दिया लाइट अप हो जाता है। पता नहीं क्यों आई फील दो फेस्टिवल्स ऐसे जो मेरे बहुत दिल के खास है, एक होली एक दिवाली। पता नहीं क्यों उस दिन सुबह को ही ऐसे एटमॉस्फेयर और ऐसे हवा में लगता है कि कुछ है, कि आज दिन बहुत मजेदार। उससे ज्यादा अच्छा ये होता है दिवाली के दिन, जब आपको बहुत सारे लोग घर बुलाते हैं अलग अलग घरों पे, और हम अलग अलग घरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी होती है, खाना होता है, मिठाइयाँ होती है, गॉसिप होती है, अमेजिंग सेशंस होते हैं। तो मुझे वो दिवाली के सारे गेट टुगेदर बड़े याद आते हैं। अब इस साल इतने हो गए नहीं, बट उन सब का इवेंचुअल एक पॉइंट होता है कि आपको इतने लोगों से मिलने को मिलता है। एंड बहने हैं, मम्मी के भाई बहन है, तो क्योंकि बॉम्बे से ही सारा परिवार बेस्ड है, वो एक दिवाली के दिन इतने सारे लोगों के घर ट्रैवल करना बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो फ्रॉम जुहू वी वुड गो टू वर्ली, देन फ्रॉम वर्ली वी वुड गो टू द अगला मौका है। दिवाली के मौके पर डबल सेलिब्रेशन हो रहा है, आपकी दिवाली भी है ना, दिवाली के मौके पर आपकी फिल्म भी आ रही है। सो कितनी तैयारियां दिवाली की हो चुकी है नुसरत जी के घर में एंड आपकी रियल लाइफ में? शॉपिंग के दो बहने एंड द ग्रैंड किड्स एंड ऑल अबाउट टू कम होम इज माय कजिन्स, एंड हम सब एक गेट टुगेदर करेंगे घर पर पापा का बर्थडे। जब चला हमने देखा आया, एक्चुअली मेरी मेरी पूरी ना एक फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप पे, इट्स कॉल्ड द मुंबई फोक, के जो मुंबई में है द मुंबई फोक। तो उनमें बहुत पसंद के ओपिनियंस है, उनको क्या लगता है कैसे लगता है। बट सच बताऊं तो मैंने अभी तक मेरी कोई भी फिल्म पूरी फैमिली के साथ बैठ के थिएटर में भी नहीं देखी है। तो ये पहली बार है जो मैं 8-10 फैमिली मेंबर्स, मुझे दिए बहुत पसंद है। तो आई लाइक प्लेसिंग द दियास ऑन इन लाइक विंडो सिल के ऊपर या स्टेयरकेस पे, ऐसे स्टेयर्स के ऊपर आते हुए दिए होते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं ऐसे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए। तो वो दिए लगाना वहाँ या घर के एंट्री पे कुछ दिए जला के रखना, तो मुझे दिए बहुत पसंद है। तो मेरा प्लान इस दिवाली ये है कि मैं नए घर में बहुत सारे दिए जलाऊं। मैं रंगोली नहीं बना सकती क्योंकि उसमें कैट है और वो पता नहीं क्या करेगी उस रंगोली का, क्या बिगाड़ देगा या उस पाउडर में ही ऐसे अपने आप को निला देगा। तो All right, so Nusrat ji, सबसे पहले तो wishing a very happy Diwali. Thank you. आप बताइए कि दिवाली का जो जो दिवाली के मौके पर कैसे सेलिब्रेशन होता है नुसरत जी का, एंड हम यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारी चीजें, ढेर सारी चीजों का यूज किया है नुसरत जी ने। सो बताइए कि जब जब दिवाली का नाम आता है नुसरत जी के चेहरे पर तो क्या फील करती हैं? अंदर से लिट अप, जैसे एक दिया लाइट अप हो जाता है। पता नहीं क्यों आई फील दो फेस्टिवल्स है ऐसे जो मेरे बहुत दिल के खास है, एक होली एक दिवाली। पता नहीं क्यों उस दिन सुबह को ही ऐसे एटमॉस्फेयर और ऐसे हवा में लगता है कि कुछ है, कि आज दिन बहुत मज़ेदार जाएगा और पता नहीं कुछ एक कुछ होगा आज के दिन में। इट्स जस्ट गॉट दैट फीलिंग बिगनिंग से ही, तो दैट्स माई फीलिंग फॉर दिवाली। बट उससे ज़्यादा अच्छा ये होता है दिवाली के दिन, जब आपको बहुत सारे लोग घर बुलाते हैं अलग अलग घरों पे, और हम अलग अलग घरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी होती है, खाना होता है, मिठाइयाँ होती है, गॉसिप होती है, अमेजिंग सेशंस होते हैं। तो मुझे वो दिवाली के सारे गेट टुगेदर्स बड़े याद आते हैं। अब इस साल इतने होंगे नहीं, बट उन सब का इवेंचुअल एक पॉइंट होता है कि आपको इतने लोगों से मिलने को मिलता है, एंड देर ऑल सेलिब्रेटिंग, एवरीबडी इज हैप्पी, हम सब तैयार होकर आते हैं और बहुत मजे करते हैं। बचपन की अगर हम बात करें तो हम ढेरों सारी हम पहले देखते थे कि चलो पहले घर का काम, दिया बत्ती ये सब पहले कर लेते, जन दूसरों के घरों में जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड जी। ऐसी कुछ मेमोरी रहती है नुसरत जी की ऐसी कुछ? क्योंकि मेरे ना बॉम्बे में ही 3-4 रिलेटिव्स हैं, मतलब पापा की बहनें हैं, मम्मी के भाई बहन हैं। तो क्योंकि बॉम्बे से ही सारा परिवार बेस्ड है, वो एक दिवाली के दिन इतने सारे लोगों के घर ट्रैवल करना बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो फ्रॉम जुहू वी वुड गो टू वर्ली, देन फ्रॉम वर्ली वी वुड गो टू द अदर आंट्स हाउस, फिर हम टाउन जाते, तो वो जो एक एक प्रॉपर ड्राइव एंड स्टॉप टू एवरीबडीज हाउसेस था, वो एक मैंडेट था। एंड हर इंसान के घर जाके यही कि भाई बहुत खा के आए, बहुत खा लिया, बट फिर भी वहाँ और खाना है और पीना है। तो वो एक जो एक हॉपिंग होता था, जैसे हम पार्टीज हॉप करते हैं, हम फैमिली हॉप करते थे, एंड दैट वाज फॉर मी वन होल दिवाली का फैमिली पैकेज बचपन से ही। चलिए दिवाली का मौका है, दिवाली के मौके पर डबल सेलिब्रेशन हो रहा है, आपकी दिवाली भी है ना, दिवाली के मौके पर आपकी फिल्म भी आ रही है जी। सो कितनी तैयारियां दिवाली की हो चुकी हैं नुसरत जी के घर में एंड आपकी रियल लाइफ में? शॉपिंग कितना हो गया है एंड घर वालों सब कुछ मिला के? यार इस साल तो मैंने सबसे बड़ी शॉपिंग घर ही की है।
वो ही हो गई है और कोई शॉपिंग नहीं करूंगी मैं, बट बस घर को सेटअप करने में लगी हूँ. आज एक टेबल आया है, कल कुछ चेयर आ रही है, फिर कुछ कप होल्स्टर के कुशन आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रोज नई चीजें आ रही है जिससे घर हम बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे. बट 13 को एक प्लान है यार, 14 को मेरे पापा का बर्थडे है, तो हमारा हाँ एग्जैक्टली जी जी तो प्लान ये है मम्मा और मेरा कि पापा को सरप्राइज करेंगे, उनको बोलेंगे आप घर आ जाओ और सिर्फ मैं पापा मम्मी घर पर डिनर करेंगे. बट एक्चुअली उनके दो बहनें एंड द ग्रैंड किड्स एंड ऑल आर गोइंग टू कम होम, मींस माय कजिन्स, एंड हम सब एक गेट टुगेदर करेंगे घर पर, पापा का बर्थडे ब्रिंग इन करेंगे और हॉल में, मेरे नए हॉल में सब बैठ के छलांग देखेंगे. सो ये प्लान है. मेरी पूरी ना एक फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप पे, इट्स कॉल्ड द मुंबई फोक, के जो मुंबई में है द मुंबई फोक, तो उनमें बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं अबाउट छलांग. तो जब गाना आया तो मेरी आंटी ने बोला बड़ा अच्छा लगा मेरे को गाना, जब ट्रेलर आया तो पापा ने ट्रेलर के जो लाइंस उनको पसंद आई हैं, चाहे भले मेरी हो या राज की हो किसी की हो, वो लाइंस उन्होंने लिख के भेजी है ग्रुप पे. मेरे डैड ने तो एक स्नैपशॉट भेज के बोला था कि प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू राजकुमार एंड हंसल सर कि मुझे ये लगा ट्रेलर देख के. तो पापा का मैसेज मैंने सेम स्क्रीनशॉट लेके दोनों को फॉरवर्ड भी किया है कि मेरे पापा ने ये फीडबैक दिया है. सो दे वेरी क्यूड ऑन कि मैं क्या करती हूँ, एंड ऑफकोर्स उनके ओपिनियंस है, उनको क्या लगता है कैसे लगता है. बट सच बताऊँ तो मैंने अभी तक मेरी कोई भी फिल्म पूरी फैमिली के साथ बैठ के थिएटर में भी नहीं देखी है. तो ये पहली बार है जो मैं 8-10 फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के लाइव अपनी फिल्म देख रही हूँ उनके साथ, और उनके साथ उन सबके एक्सप्रेशंस मैं खुद देखूंगी और रिएक्शंस देखूंगी वहाँ बैठ के. तो आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड टू सिट एंड वॉच द फिल्म विद देम. घर में ढेरों सारी मिठाइयाँ बनती हैं, ढेरों सारे फूड्स पकवान बनते हैं, एंड रंगोली होती है, एंड ऐसे लाइटिंग होती है. सबसे ज्यादा मजा इंटरेस्टिंग कब कौन से मोमेंट पर होता है नुसरत जी के लिए, ऐसे मेरे लिए में या दिया जलाने में? मुझे दिए बहुत पसंद है. हाँ एग्जैक्टली है ही इधर, मुझे दिए बहुत पसंद है. तो आई लाइक प्लेसिंग द दियाज ऑन इन लाइक विंडो सिल के ऊपर या स्टेयर केस पे, ऐसे स्टेयर से ऊपर आते हुए दिए होते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं ऐसे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए, तो वो दिए लगाना वहाँ, या घर के एंट्री पे कुछ दिए जला के रखना. तो मुझे दिए बहुत पसंद है. तो मेरा प्लान इस दिवाली ये है कि मैं नए घर में बहुत सारे दिए जलाऊंगी. मैं रंगोली नहीं बना सकती बिकॉज मेरी कैट है और वो पता नहीं क्या करेगी उस रंगोली का, जाके बिगाड़ देगा या उस पाउडर में ही ऐसे अपने आप को निला देगा. तो नो रंगोली बट दिया इन द होल हाउस. लेकिन यहाँ हमने आपको रंगोली बनाते हुए देखा, तो थोड़ा कुछ बताना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि मुझे नहीं आती रंगोली बनाने, तो मैं बहुत सारा ले लेती हूँ वो कलर पाउडर और वो जो स्टेंसिल रंगोली होती है उसे भर के उसे स्प्रेड करके स्टेंसिल उठा देती हूँ तो नीचे बन जाता है कुछ. बट इट्स वेरी प्रिटी एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड जो बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं, तो उनको देखने में बड़ा अच्छा लगता है हाउ इंटरेस्टिंगली दे डू दिस. एक अलग ही टैलेंट है, एक आर्ट है, बट मेरे से नहीं होता. एंड यहाँ पर हम ढेर सारी मिठाइयाँ भी देख रहे हैं. सो दिवाली के मौके पर नुसरत जी ऐसे सबसे पहले वो ऐसी कौन सी चीज होती है कि हाँ ये मुझे खाना है दिवाली के मौके पर? मिठाई, मिठाई 100% कलाकंद, काजू कतरी. एक्चुअली मैं इस साल मंगाऊंगी टाउन से मैंगो हलवा आता है, एक जो मैंगो फ्लेवर ऊपर होता है नीचे वाइट होता है, वो कलाकंद जैसा, वो एक फेमस मिठाई वाला है टाउन में, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट उनके वहाँ ये एक मैंगो हलवा मिलता है जो मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा फेमस है. कि यहाँ से बॉम्बे से अगर कोई कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो किसी के लिए भी कहीं भी और, तो वो 1 किलो वो मैंगो हलवा लेके ही जाता है. तो इस बार दिवाली में मेरे को वो घर पे ला के सबके लिए रखना है. So, इस बार दिवाली के मौके पर आपकी फिल्म भी आ रही है. सो ये बहुत ही ऐसे कम होता है कि हर हर सेलिब्रिटी चाहता है कि फेस्टिवल के मौके पर उनकी फिल्में आए. बहुत हाइप होता है, बहुत सारा
और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। सो आप बताइए कि क्या फील करती है आप दिवाली के मौके पर? आप ट्रेलर तो आ ही गया है, बहुत ही ऑसम है, आप बताइए कि क्या फील करती है दिवाली के मौके पर आपके फील? यार उस दिन, उस पूरे दिन को मैं सुबह से एक्चुअली सेलिब्रेट करूँगी उठते ही, बिकॉज आई फील लाइक नॉट मैं एकदम सेल्फिशली अपनी फिल्म के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि इस दिन पे इतने सारे लोगों तक कुछ एक हैप्पीनेस स्प्रेड होगी और कुछ एक मैसेज स्प्रेड होगा फिल्म का, तो मैं तो खुद ही एक्साइटेड हूँ, वो अलग बात है, बट आई एम मोर हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हमने जो एक फिल्म बनाई थी वो इतनी लार्ज ऑडियंस तक आज के दिन पहुँचेगी एक OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट वो पहुँचेगी, लोग बैठ के देख पाएंगे, उसे इन्जॉय कर पाएंगे, थोड़ा हंस लेंगे, थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे और एक गेट टुगेदर वाली फीलिंग आई थिंक फिर से इंस्टिल हो पाएगी। जी, हमें आपकी ढेरों सारी फिल्में सिनेमा घरों में देखी है, हिट हुई है, लोगों ने बहुत ही एप्रिसिएट किया है, इस बार आपकी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो कैसे देखती हैं आप इस OTT प्लेटफॉर्म को? हालांकि लॉकडाउन में, कोविड में ढेरों सारी फिल्में आई, लोगों ने एप्रिसिएट किया, आपकी फिल्म आ रही है OTT पे, दूसरा जी कैसे देखती हैं? मैं उसको बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ एक्चुअली। ऑफकोर्स बड़े पर्दे का एक अलग ही मैजिक होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो ऑफकोर्स एक चाह है कि हम दोबारा वहाँ जाके फिल्म देखेंगे और अपनी फिल्म वहाँ आएगी, बट ऐसे सिचुएशन में हमारे पास फिर भी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी बनाई हुई फिल्म ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं, वरना तो फुल स्टॉप लग जाता ना, वरना कुछ नहीं हो पाता। एंड मुझे सच में लगता है कि OTT का रीच बहुत ही बड़ा है, एंड वो एक जो ऑप्शन है ना कि आप एक फिल्म किसी भी वक्त अपने कन्वीनियंस पे ऑन करके देख सकते हो, बीच में पॉज कर सकते हो, फिर दोबारा देख सकते हो या बाद में देख सकते हो, वो जो एक ईज होता है ना कि ये अब हमारे पास फिल्म आ गई है, हम इसको कभी भी देख सकते हैं, उससे आई फील आपकी ऑडियंस आपकी फिल्म देखने के लिए ज़्यादा ये होती है, पुश करती है कि अभी नहीं तो दो दिन बाद देखेंगे, बट देखेंगे ज़रूर, उससे आपका एक ऑडियंस फुटहोल्ड बढ़ता है, एक रियल ऑडियंस बनता है और एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि उनको पसंद आई या नहीं आई, तो वो जो ट्रूथ है मीडियम का वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स फाइनली कम आउट एंड आई एम ग्लैड इट्स ऑन Amazon Prime बिकॉज उतनी ही ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुँच पाएगी। एंड हमने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल कास्ट है एंड बहुत ही ट्रेलर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर शूटिंग की अगर मैं बात करूँ एंड जितने भी आपके साथ में कास्ट हैं, सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। सौरभ जी की तो मैं फ़ैन हूँ एक्चुअली, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए उनके साथ, ऐसे एक सौरभ शुक्ला डायरीज़ है मेरी, एवरीडे कुछ नया उनके साथ मैं बन करती रहती थी, बट यार वो इतने मंझे एक्टर्स हैं कि लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो आपके आसपास है और वो कुछ डायलॉग कर रहे हैं, वो कुछ सीन कर रहे हैं, और वो जो एक पता ही नहीं चलता वाला एक स्ट्रेंथ और होल्ड होती है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है कि आप कब आए और कब अपना जादू करके सीन में चले गए पता ही नहीं चला। तो कई बार तो मैं एक्चुअली सीन में उनको देख रही होती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, फिर मुझे याद आता है कि मुझे भी डायलॉग बोलना है, बट बहुत अमेजिंग था। सतीश जी ऑल्सो अमेजिंग, व्हाट एनर्जी, व्हाट वाइब, उनके किस्से सुनना, उनसे सीखना, उनको देखना बस लाइव बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो मतलब आई विल होल्ड दिस फिल्म एज वन ऑफ माई वेरी फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ शूटिंग एंड वर्किंग। जी एक्चुअली बहुत करनी पड़ी क्योंकि मुझे कहीं से नहीं आती, कुछ नहीं आती, मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पष्ट अभी तक बन नहीं पाई है जितनी मैं चाहती थी या चाहती हूँ, तो एक नई डायलैक्ट पकड़ना और उसे एक फिल्म में करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये भी थी कि बाकी सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं हरियाणवी से वाकिफ थे, या तो वो रह चुके थे या कोई और फिल्म में यूज़ कर चुके थे, तो उनको पता था कि क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था, तो बहुत आसान हो जाता कि एक एक्टर दिख जाता कि इसको नहीं आता पूरी फिल्म में, बिकॉज सब बाकी सब इतने ज़्यादा मंझे हैं, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी, वर्कशॉप से लेके मेरा कोच सेट पे था हर बार हर दिन, और वो सुनता मेरे टेक्स, और अगर उसको ज़रा से भी लगता कि ऑफ गई हूँ तो रीटेक होता सिर्फ डिक्शन के लिए, तो वो एक्टिंग के लिए अलग रीटेक्स होते हैं, डिक्शन के लिए अलग रीटेक्स होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल था, बट आई वॉज वेरी क्लियर मुझे करना था, एंड हंसल सर वॉज वेरी क्लियर कि हाँ जैसे करना है उस तरह से सपोर्ट करेंगे, ले लो तुम चार और टेक ले लो बट करेक्ट कर लो। तो मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया, मतलब वो एक अलग चीज़ मास्टर करने में ना एक खुद से एक अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है, तो आई एम हैप्पी कि मैं कर पाई। जी बिल्कुल,
हमने देखा बहुत ही अच्छा मैसेज है स्पोर्ट्स के लिए जी. सो आपने भी देखा है कि स्पोर्ट्स पर ढेरों सारी फिल्में बनी हैं, लोगों ने बहुत ही एप्रिसिएट किया. सो आने वाले दिनों में नुसरत जी, अगर आप ऐसे कभी सोचते हैं कि स्पोर्ट्स पर किसी की बायोपिक, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, तो आप मानते हैं कि इनके ऊपर अगर आपको मौका मिले तो आप इनके ऊपर फिल्म भी करना चाहेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर? यार यू नो, हम जब कहानियाँ बनाते हैं फिल्मों में, हालांकि वो काल्पनिक होती है बट वो तो कहानी होती है, किसी ना किसी इंसान की होती है. जब आपको एक रियल इंसान मिल जाता है और उसकी कहानी करने को मिलता है जहाँ उसकी बायोग्राफी हो, तो उससे बेटर कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज वो इंसान आपके लिए लाइव है, उसके सारे एक्सपीरियंस आपके पास आगे आपके सामने होते हैं. आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता, आपके पास पूरा मटेरियल सामने होता है टू काइंड ऑफ टेक एंड मेक अ फिल्म ऑन. तो वो एज अ कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत मोटिवेशनल और बहुत अमेजिंग लगता है. ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट अगर ऐसा कुछ कभी आया तो. एंड मैं देख रहा हूँ कि बैक टू बैक आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है, आप एक फिल्म की शूटिंग आपने जस्ट की कंप्लीट हो गई. जी जी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा सफर या एक्सपीरियंस? थोड़ा स्कैरी था यार, बिकॉज मैं एक दिन में आई थिंक 4 सैनिटाइजर के कैंस खत्म कर देती, हर चेयर को, हर इंसान को, हर टेबल को, हर प्रॉप को स्प्रे करती. बट वो है, अभी क्या करोगे, काम भी तो करना जरूरी है. तो जितना सैनिटाइज कर सकी उतना किया, बट फिर भी अच्छा लगा कि हम सेट पे थे, इतने सारे लोग थे, हमने काम किया, हमने शूटिंग की, फिल्म खत्म की. तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस. चलिए, ये अच्छी बात है क्योंकि ऐसे टाइम पे प्रिकॉशन लेना भी बहुत जरूरी है. हां, सो एक आखिरी सवाल जी. मुंबई जैसे शहर में हर किसी का सपना होता है कि उसका एक ब्यूटीफुल, एक अच्छा सा घर हो, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा जी, फुटेज भी हमने देखा. सो आप बताइए कि क्या फील करती हैं आप? आपने बताया भी कि आपने तैयारियां कर रखी हैं, डे बाय डे कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं. आई थिंक मैं एक नए फेज से गुजर रही हूँ, जहाँ एक होता है ना कि कोई कहते हैं कि नहीं घर नहीं जाना, कुछ और बाहर घूमते हैं फिरते हैं. मैं जब से ये घर आया है कह रही हूँ मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे अपने बेड पे सोना है और मुझे अपने घर में सोफे पे चिल करना है. मुझे मेरा घर का जो वाइब है इतना पसंद है कि आई वॉन्ट टू गो बैक होम फास्टर एवरी डे, क्योंकि मुझे अपने घर पे टाइम स्पेंड करना है. तो वेरी एलियन फीलिंग बट वेरी न्यू फीलिंग. और घर पूरा सजाने में मुझे बड़ा मजा आता है कि दीवार का रंग क्या होगा, कुशन कवर्स कितने होंगे, मग्स कितने होंगे. आई हैव गॉन बैक टू दैट. तो वो सब मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे सब सेटअप कर रही हूँ. तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है. एंड जाते आते अपने फैंस के लिए, आपकी फिल्म भी आ रही है दिवाली के मौके पर, दिवाली एंड आपकी फिल्म, तो एक विश कर दीजिए. ऑफ कोर्स, पहले तो सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. इस बार हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो हम करते थे, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएंगे, बट जितने लोगों को मिल रहे हो और जितने लोगों को पास रख सकते हो उनको खुश रखिए, खुश रहिए और एक अच्छा हैप्पीनेस स्प्रेड करिए इस बार, बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स इट, वी ऑल नीड इट. मेरी फिल्म आ रही है 13 नवंबर को. ऑफकोर्स आपके जब भी फेस्टिविलिटीज खत्म हो जाए तो सिट ऑन योर काउच विद योर एंटायर फैमिली एंड एंजॉय योर फिल्म. 13 नवंबर Amazon Prime, छलांग. Thank you so much. Thank you so much. See you. Again, wishing you a very happy. Thank you. Thank you. Thank you.